सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात अंतर्राज्यीय गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के रोहतक हरियाणा निवासी 28 वर्षीय वांटेड शार्प शूटर शेखर उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। शेखर उत्तम नगर के एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने के मामले में वांटेड था। गैंगस्टर कपिल सांगवान के इशारे पर रंगदारी न देने पर शार्प शूटर शेखर व अन्य बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर धावा बोल फायरिंग की थी। गिरफ्तार शार्प शूटर शेखर के पास से द्वारका से चोरी हुई एक पल्सर मोटरसाइकिल, 2 32 बोर की पिस्टल सहित 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। गैंगस्टर कपिल सांगवान इस समय इंग्लैंड में बैठा हुआ है और वहीं से भारत में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गैंगस्टर कपिल सांगवान के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, रॉबरी व जबरन वसूली आदि के 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। स्पेशल सेल डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार दयालसर रोड उत्तम नगर में स्थित प्रॉपर्टी डीलर राहुल गोयल के कार्यालय पर 11 जनवरी 2022 को दिनदहाड़े दो व्यक्तियों ने बाइक पर सवार होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी वसूलने के लिए की गई थी। इस फायरिंग की घटना के संबंध में थाना बिंदापुर में एफआईआर संख्या 14/2022 अंडर सेक्शन 387, 336/34 और 27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसीपी संजय दत्त की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राहुल कुमार के नेतृत्व में स्पेशल सेल की एक टीम ने गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग जैसे गैंगस्टरों को दबोचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में स्पेशल सेल की टीम ने गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग के कई सदस्यों को एफआईआर संख्या 163/19 अंडर सेक्शन 3/34 मकोका एक्ट के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 20 जनवरी 2022 को स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि उत्तम नगर के प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने के मामले में वांटेड गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ गैंग का एक शार्प शूटर शेखर उर्फ अपने गैंग के अन्य सदस्य से मिलने के लिए सुरहरा मोड़ नजफगढ़ धांस रोड के पास आएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही स्पेशल सेल एसीपी संजय दत्त की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राहुल कुमार के नेतृत्व में एसआई मनिदर सिंह, एसआई सवीन खरब और एसआई मनीष कुमार की एक टीम का गठन किया गया। स्पेशल सेल टीम ने नजफगढ़ धांस रोड के सुरहरा मोड़ के पास अपना जाल बिछाया। ऑपरेशन के दौरान आरोपी शेखर उर्फ बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर शेखर ने यूटर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्पेशल सेल टीम ने दौड़कर आरोपी शेखर को दबोच लिया। उसके पास से 0.32 बोर की एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक काले रंग की पल्सर बाइक नंबर HR26DC2958 भी बरामद की गई। पांचवी तक पड़ा आरोपी शेखर उर्फ सोनू रोहतक में अपनी आजीविका के लिए भवनों के निर्माण में शटरिंग का काम करता था। बाद में वो गैंगस्टर कपिल सांगवान के दाहिने हाथ अनिल पोडी के संपर्क में आया। अनिल पोडी के कहने पर उसने अपने सहयोगी विकास के साथ उत्तम नगर दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर राहुल गोयल के कार्यालय पर दिनदहाड़े फायरिंग की थी। अनिल पोडी को गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग से संबंध रखने के आरोप में मकोका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। आरोपी शेखर उर्फ सोनू को अनिल पोडी के माध्यम से किश्तों में लगभग 20,000 रुपए का भुगतान किया गया था और साथ ही रंगदारी के पैसे मिलने के बाद अच्छी राशि देने का वादा किया गया था। आरोपी शेखर उर्फ सोनू के खिलाफ हरियाणा में आर्म्स एक्ट और मोटर वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर कपिल सांगवान इस समय इंग्लैंड में बैठा हुआ है और वहीं से भारत में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गैंगस्टर कपिल सांगवान के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, रॉबरी व जबरन वसूली आदि के 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।